दुनिया के एक नंबर में मुल्क इंडिया है। सीएनएन की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। भारत में ये जो 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं और अगर बीजेपी खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इक्तदार में आई, इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया। इंडिया विल कंटिन्यू टू बी दी यू नो ड्राइवर फॉर ग्लोबल ग्रोथ। नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारिक साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो अगर ईरान को बचा सकते तो हमें नहीं बचा सकते दुनिया वालों, हमारी भी तो पिटाई हो रही है। दो मुल्क आजाद हुए थे उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। तो जनाब उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम 21st सेंचुरी इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफरिंग ए रियल अल्टरनेट टू चाइना। उन्होंने ये बोला है कि भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे दुनिया का लीडर की तरह भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है। 2023 में ये इनका कहना है कि 2023 में भारत ने कदम उठाए मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने के और रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, और भारत ने सी ट्रायल्स करे हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा क्या हो ही जाएगा। बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार एक कैसा देश है ये, चुपचाप रहते हैं ज़्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे ये क्या मैटर चल रहा है भारत में। लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक चाइना है जिसकी इकोनॉमी हमसे काफी बड़ी है, ये हमें बात माननी पड़ेगी, जिसकी फौज हमसे बड़ी है। लेकिन जब चाइना ने धक्का देने की कोशिश करी तो उसको वहां पर भारतीय सेना जैसी लोहे की दीवार मिली और चाइना भी कंफ्यूज्ड है, राइट? चाइना कंफ्यूज्ड है, कैसे भारत के साथ डील करना है यार, इन लोगों के साथ डील कैसे करें? हम एक मिसाइल लगाते हैं, ये दो लगाते हैं, हम एक फौजी लगाते हैं, ये फौजी लगाते हैं, हम टैंक लगाते हैं, ये टैंक लगाते हैं, हम एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर लगाते हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? When will it stop? तो अब चाइना ने धीरे धीरे ये रियलाइज करना शुरू करा है कि अब भारत से ऐसे लड़ नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। वो दिन चलेगा भैया 1962 के। अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी स्ट्रांग है और भारतीय सेना तो शुरू से ही स्ट्रांग थी। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप वीक थी ना, जवाब देना नहीं जानती थी, अब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है आर्मी, अब दो स्ट्रांग मिल गए पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ आर्मी। अब क्या करेगा चीन? अब इनका यह कहना है कि 2024 में नई दिल्ली फोकस करेगा नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये जनरल कह रहा है यहां पे, मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करेगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ये आगे बढ़ाएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो दोस्तों ये इंडिया हैज मेंटेन्स इट्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन, ये भी बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका का, कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है, रशिया मोस्ट सब्सटेंशियल डिफेंस पार्टनर है अभी भी नई दिल्ली का और कंटिन्यूज टू अक्वायर वेपन्स फ्रॉम मॉस्को सच एज S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, बट न्यू दिल्ली इज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस एक्विजिशन पार्टनरशिप्स कंटिन्यू। यानी कि आज की तारीख में भी भारत का जो मोटा डिफेंस का सामान है वो रूस से आ रहा है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। S-400 का एग्जाम्पल दे रहा है साहब, S-400 आप देखिए,
इतना बड़ा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया एस 400। लेकिन लेकिन क्या भारत और देशों से भी बात कर रहा है? बिल्कुल। तो धीरे 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 ये जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है रशिया पर, रशिया हमारा दोस्त है, जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ेगी भारत वहां पर रात को खड़ा मिलेगा जब रशिया बोले। दोस्त ना पुराना यार, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या हमारे और दोस्त होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल दोस्ती नहीं है दोस्तों। ये जो दोस्ती है ना, ये दोनों देशों के बीच में होती है, और जब दोनों देशों के बीच में दोस्ती होती है फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिससे हमें फायदा मिले वो हमारा दोस्त है। कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप, इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है? क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है सीएनएन ने। तो इंडिया इस वक्त एंजॉय कर रहा है पूरी दुनिया के साथ हेल्दी रिलेशंस, और इसमें विद मोस्ट मेजर इकोनॉमीज, एंड इज अग्रेसिवली जो है वो लार्ज कंपनीज टू सेटअप फैक्ट्रीज इन द कंट्री। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, उससे वो फायदा ही उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में, और वैसे भी लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मैं ये समझती हूँ, उस पर मैं तजिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो कमाल की है। फिर वो जनाब आगे लिखते हैं कि उन्होंने हर जगह लिखा है कि मोदीज इंडिया, ये वो बता रहे हो, कह रहे कि अब होता ही है, चलता ही है कि मोदीज इंडिया जहां पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है जो डेटा बताता है द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया, उन्होंने कहा है कि उसमें जब आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें ये बताती हैं, तो वो कहते हैं कि 2014 में, 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा जो वजीर आजम, वो उसमें सियासत में उन्होंने देखा कि जनाब पहली मर्तबा जो नाम हर तरफ नजर आया वो 2014 में था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2014 में जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कहां पर थी, उन्होंने एक पूरा एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में बताया, और उसके बाद वो इकोनॉमी कहां पर पहुंची और तमाम कंट्रीज का भी डेटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर 500 पर थी 2014 में इकोनॉमी जो है, तो वो 2023 में पहुंचती है 2500 पर, ठीक है जी। तो उसी के साथ जब वो 2500 पर पहुंची है, तो इस वक्त यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस वक्त, जबकि उस वक्त जो है वो इंडिया बहुत पीछे था नंबर्स में। अच्छा, फिर वो कहते हैं जो ये साउथ एशियन जायंट है इंडिया, इसकी जो इकोनॉमी है वो बड़े ही आसानी के साथ जो है वो एक्सपैंड हो रही है, और जो एनुअल रेट है वो हम देख रहे हैं कि 6% से ऊपर जा चुका है। बल्कि हमने देखा, ये तो तजिया पहले भी कर चुके हैं, कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट वो तो 8% तक गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया को ये टारगेट अचीव करने के लिए, इंडिया को ये जगह हासिल करने के लिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए 8% या इससे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। तो आप जानते हैं कि 7.6% तो वैसे, और उसके बाद पिछले कुछ मेरा ख्याल है कि लास्ट मंथ ऐसा हुआ था कि जो दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने ये खबरें दी थी कि इंडिया की ग्रोथ 8% से ऊपर चली गई।